सफेद गुब्बारे की वजह से जापान के एक शहर के लोग हैरान हो गए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां चलने लगी। कोई इसे मौसम विज्ञान का गुब्बारा बता रहा है तो कोई इसे UFO। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ये एलियन शिप है। जापान के शिंदाई शहर के अओबा वार्ड के ऊपर आसमान में ये सफेद गुब्बारा कई घंटों तक रुका रहा, धीमी गति से चलता रहा, फिर अचानक प्रशांत महासागर के ऊपर गायब हो गया। इस गुब्बारे के नीचे दो क्रॉस्ड प्रोपेलर्स लगे हैं जो इसे उड़ने में मदद कर रहे थे। पहले लोगों को लगा कि ये जापान के मौसम विभाग का गुब्बारा है, लेकिन मौसम विभाग ने मना कर दिया। मौसम विभाग ने कहा, हमने कोई ऐसा गुब्बारा आसमान में नहीं छोड़ा। जापान की सरकार के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशीहिदे सुगा ने कहा, हमारी सरकार को नहीं पता कि ये गुब्बारा कहाँ से आया और ये कहाँ चला गया। इसका मालिक कौन है हमें ये भी नहीं पता। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये गुब्बारा उत्तर कोरिया ने जापान में कोरोना वायरस फैलाने के लिए भेजा था। हालांकि अफवाहों को पुख्ता करने वाली जानकारी नहीं आई है। ये गुब्बारा अब शिंदाई के आसमान से गायब है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।